स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ के बेसिक्स करेंगे। जल्दी समझिए, अगर कोई भी ये दो इक्वेशन दे दिया है ग्राफ में तो आपसे पूछेगा क्या ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन बनाएगी, क्या ये नो सॉल्यूशन बनाएगी या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाएगी। तो इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप क्या करिए एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए और वाई के कोफिशिएंट को भी डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करने के बाद आंसर नॉट इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नो सॉल्यूशन में हमेशा पैरेलल लाइन बनती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में जब आप कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे तो तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे, इसमें लाइन ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर। क्लियर? तो ऐसे ही यूनिक ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।